आज हम आपको पटना के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर 18 साल तक के सभी बच्चों का, जिनकी उम्र 18 साल तक है, उन सभी का कैंसर का जो इलाज है वो मुफ्त में कराया जाता है। जी हां, इस समय हमारी मौजूदगी पटना के महावीर कैंसर संस्थान में है। तो आप देख सकते हैं कि फुलवारी शरीफ में ये महावीर कैंसर संस्थान जो है वो मौजूद है और यहाँ पर 18 साल तक के सभी लोगों का, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, सबका जो है मुफ्त में इलाज किया जाता है। यहाँ पे बच्चों का सभी जांच जो है वो मुफ्त में किया जाता है, साथ ही उनकी दवाइयों का खर्च भी जो है वो अस्पताल प्रशासन ही उठाता है। यानी 18 साल तक के सभी बच्चों का जो इलाज में खर्च होता है वो महावीर मंदिर उठाता है। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है वो वर्ष 2019 में हुई थी रामनवमी के अवसर पर, और तब से लेकर आज तक लगातार जो भी यहाँ बच्चे आते हैं उनका जो इलाज है वो मुफ्त में किया जाता है। तो अस्पताल के बारे में विशेष रूप से जानकारी दे रहे हैं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एलबी सिंह। 4 साल पहले मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल जी ने निर्णय लिया जो 18 साल के बच्चों को हम लोग मुफ्त इलाज करेंगे। रामनवमी के दिन से 19 के ये इम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ जितने भी कैंसर के बच्चे आते हैं इस अस्पताल में 18 वर्ष तक का, उनको हम लोग आते ही 15,000 रुपया देते हैं जो अपने जांच वगैरह करवा पाए। इसके बाद जब भर्ती हो जाते हैं तो उन्हें उनका पूरा कॉस्ट, चाहे उसमें 1,00,000 लगे, 2,00,000 लगे, 4,00,000 लगे, जो भी लगे हम लोग बेयर करते हैं, हॉस्पिटल बेयर करती है। अल्टीमेटली महावीर मंदिर का तो अस्पताल है ही, तो हम लोग मिलजुल के उसको करते हैं। कौन कौन से कैंसर का इलाज यहाँ होता है? नहीं, पूरे तो हॉस्पिटल में तो सारा बहुत कैंसर है, और एडल्ट में तो जितना भी हुआ आपको मौत कैंसर, हेड एंड नेक से लेके चेस्ट का, पेट का, सारे अंगों का इलाज होता है यहाँ पे। बच्चा में खास करके ब्लड कैंसर बहुत कॉमन होता है, ब्लड कैंसर बच्चों के लिए ब्लड कैंसर सबसे कॉमनेस्ट है, और उसमें ब्लड कैंसर का अलग अलग वैरायटी होता है, उसके अनुसार उसका इलाज चलता है, जिसमें कि कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है। लेकिन बच्चों का रेट ऑफ क्योर ज़्यादा अच्छा है। एडल्ट में जो चीज़ होता है सेम कैंसर अगर एडल्ट में होता है तो उसका कंट्रोल होता है, लेकिन बच्चा में क्योर हो जाता है अगर अस्पताल में लगातार फॉलोअप में रहें तो। बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट है इसमें। अगर रिजल्ट की बात करें तो कितना परसेंटेज जाएगा जो बच्चों का क्योर होने की? नहीं, बच्चा अगर समय पर आ जाता है तो 80-90% हम लोग क्योर कर देते हैं, 90% से कम। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? और यहाँ पूरे बिहार के आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आते हैं, नेपाल के आते हैं, बांग्लादेश के आते हैं, झारखंड के आते हैं, और आयुष्मान कैटेगरी में तो और डिफरेंट स्टेट्स के जो भी आए यहाँ कर देते हैं। बच्चों में ज़्यादातर ब्लड कैंसर के मामले देखे जाते हैं, और कोई कैंसर? नहीं, ब्लड कैंसर सबसे मुख्य ब्लड कैंसर है। वैसे कैंसर किसी भी अंग का हो सकता है, किसी भी अंग का हो सकता है, लेकिन बच्चों में ब्लड कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। क्या क्या सुविधा यहाँ पे? हमारे यहाँ लगभग 650 बेड है टोटल। इसमें जितने भी मरीज भर्ती रहते हैं उनको हम लोग 3 टाइम नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना मुफ्त में देते हैं। एक ये हुआ, दूसरा हुआ जो सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्लड 100 रुपया हम देते हैं, जो कि हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलता, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं। सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी सुविधा नहीं है, सरकारी अस्पताल में भी रेट ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस मद में भी हम लोग कम से कम 2.5 करोड़ रुपये एनुअली खर्च करते हैं ब्लड जो 100 रुपया हम देते हैं। बच्चों के इलाज में कितना लगभग खर्च हो जाता है? खर्च तो रिलेटिव चीज़ होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं कह सकता है, लेकिन 1,000 से लेकर 1,00,000 होता है खर्चा, 1,00,000 होता है। अब मान लीजिए रेडिएशन पड़ता है,
सेकाई जिसको बोलते हैं, तो सेकाई में तो लंबा समय लगता है, कीमोथेरेपी होता है, डिफरेंट साइकिल होता है, एक नहीं छः छः साइकिल होता है, अकॉर्डिंग टू उसको क्या बीमारी है उस पर निर्भर करता है। ये सब बहुत ही कॉस्टली होता है और ये इंटायर कॉस्ट हम लोग कार्ड इशू कर देते हैं, उसका फ्री होता है, दवाई वगैरह सब कुछ फ्री है। अगर किसी को कैंसर, अगर बच्चा का होता है, यहाँ पे आता है, पूरा उसका सही होने तक जो भी खर्चा होगा, हम लोग महावीर कैंसर संस्था, महावीर मंदिर के निर्देश के अनुसार हम लोग पूरा खर्चा भी है। औसतन कितने बच्चों का एक साल में अगर देखा जाए तो इलाज? ऑन एन एवरेज लगभग 60-70 बेड है हम लोगों का, फुल रहता है, बच्चों का फुल रहता है, वेटिंग फॉर एडमिशन, एडमिशन के लोग वेट करते हैं बच्चा के एडमिशन के लिए। तो नया पेशेंट रोज 30-40 तो आ ही जाता है, ये मिला जुला करके हजारों में संख्या है। तो पटना से न्यूज 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।